चुनावी प्रचार के लिए 300 रुपए की रोजी से कांग्रेस लोग लगा रही है, ऐसा एक वीडियो सामने आया था। लेकिन ऐसा बयान देने वाला युवक मानसिक तौर पर कमजोर निकला। युवक की माँ अब खुलकर सामने आई है। माँ ने कहा कि अपने बेटे का वीडियो कुछ मंचलों ने बनाया है, साथ ही युवक के मेडिकल दस्तावेज भी दिखाए। चंद्रपुर जिले का राजुरा विधानसभा क्षेत्र, जहां से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पक्षों ने धोटे नामक दो शख्स को प्रत्याशी के तौर पर चुनावी अखाड़े में उतारा है, जिसमें से एक विद्यमान विधायक है तो दूसरा पूर्व विधायक। दोनों ही चुनावी मैदान को पार करने के लिए बाजुओं में जितना दमखम है वो सभी दांव पर लगा चुके हैं। साम दाम दंड भेद के इस राजनीति अखाड़े के बीच कुछ रोज पूर्व एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें एक साइकिल पर सवार युवक को कुछ लोगों ने रुकाया, जिसके साइकिल पर कांग्रेस का झंडा लहरा रहा था, जिसके गले में कांग्रेस की निशानी वाला गमछा था, जिससे बात करते हुए उसका वीडियो बनाया गया, जिसमें वो युवक बता रहा था कि कांग्रेस का प्रचार करने के एवज में 300 रुपए मिलते हैं, जिसके बाद उस वीडियो को वायरल कर दिया गया था। ये देख रहे आपके सामने राज खड़ा है, जो कि कांग्रेस का झंडा बांध के अपने साइकिल में अपने खुद के मर्जी से घूमता ही है। राज, सोमवार के दिन तेरे साथ क्या हुआ बता दूँ? मेरे को 300 लड़कों ने गिराया था। क्या बोला? गाय को घूमता है बोले। हाँ तो बोले मेरे को तू मेरे ताता बोले, मैं तेरे को पैसे देता बोले। हाँ पैसे देता बोले, मैं बोला मैं अपनी मर्जी से घूमता बोला। हाँ तो अपनी मर्जी से घूमता बोले तो मेरे को मारे। हाँ मारने थे गिरा देने थे, फिर ये निकाले वीडियो निकाले। अच्छा। वीडियो निकालने के बाद है ना। हाँ तब मेरे को गिरा के चले गए। अच्छा अच्छा, यानी कि वो तेरे को जो जो बोल बोले वो तू बोला ऐसा? हाँ है ना जी। हाँ ठीक। और आंटी आप बताओ आपका लड़के के बारे में। कम दिमाग का है लड़का थोड़ा। हाँ इसी का मतलब वो कहीं भी घूमते रहता है। हाँ बीजेपी वाले उसका फायदा उठा रहे। अच्छा और कहीं भी उसको मार उड़ के गिरा देते बच्चों को, वो थोड़ा कम दिमाग का है इसी का, उससे कुछ भी नहीं होता, कहीं भी घूमते रहता, वो किसी का भी झंडा लगा लेता, ऐसा नहीं है। ये देखिए फिर उसकी मम्मी और वो राज और ये इनके पिताजी और इनका घर, इनका परिस्थिति, और ये रहा उसका रिपोर्ट। तो बीजेपी वाले से राज और क्या क्या बोले तुझे बता? मेरे को तेज बोले। क्या बोले? तुझे मारे भी बोलो? हाँ मारे। हाँ और दो मारे भी दो कन पर। अच्छा तो ये जो बात है मैं तेरे से जबरदस्ती कहने लगा रहा हूँ क्या? नहीं तू अपने मन से बोल रहा क्या? हाँ अपने मन से। सच्चे दिल से बोल? हाँ, तेरे मम्मी के सामने? हाँ अपने मन से बोल। क्या आंटी मैं इसको बोलने लगा रहा हूँ क्या? नहीं। हाँ क्या तेरे को मैं कोई पैसे दिया? नहीं। तू अपने मर्जी से बोल रहा है? अपने मर्जी से बोल। ठीक है। आज फिर उसी युवक का वीडियो चंद्रपुर के व्हाट्सएप ग्रुप पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उसके घर का वीडियो है। वीडियो में उसका नाम राजू बताया जा रहा है, साथ में उसकी माँ भी नजर आ रही है। राजू ने बताया कि वो खुद होकर कांग्रेस का झंडा अपनी साइकिल को लटका कर घूमता है। कुछ रोज पूर्व कुछ मंचलों ने उसकी साइकिल को पकड़ा, उसे नीचे गिराया, उसे मारा, फिर उससे कांग्रेस के खिलाफ बोलने को कहा गया, जिसके दौरान वो वीडियो बनाया गया था। पीड़ित युवक की माँ भी इस दौरान बोलती नजर आई। उन्होंने कहा कि उनका बेटा मानसिक तौर पर कमजोर है, इसलिए उसे एरिया के मंचले तंग करते हैं, मारते पीटते हैं। साथ ही उन्होंने मानसिक तौर पर कमजोर होने के दस्तावेज भी सामने रखे, जिस पर से ये प्रतीत होता है कि राजुरा विधानसभा में सामदाम दंड भेद की राजनीति शुरू हो चुकी है। टीम VL24 न्यूज़।